हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। अधिकारियों को कोविड 19 के लिए प्रबंधन की तैयारियों में तेजी लाने, टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, कंटेनमेंट जोन एरिया पर कड़ी निगरानी पर जोर देने के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कस्बों और गाँव में निगरानी पर अधिक जोर दिया जाए। इसके लिए पंचायतों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्वयं सेवकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता को 5 गुना बढ़ाना होगा। इसके अलावा अस्पताल में बेड की क्षमता, पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता और मृत शरीर प्रबंधन को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी भी भयावह स्थिति से निपटने के लिए MBBS, पैरामेडिक और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए और गंभीर बीमारियों की निगरानी सावधानी पूर्वक की जाए। होम आइसोलेशन के संबंध में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी रोगी जिनमें कोविड 19 के हल्के या पूर्व लक्षण पाए जाते हैं, उस स्थिति में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ऐसे रोगियों को तुरंत होम आइसोलेशन में भेजा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि टीबी, किडनी संबंधी आदि जैसे पूर्व बीमारियों से पीड़ित लोगों की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की साथ साथ प्रत्येक घर की निगरानी के कार्य को जारी रखा जाए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।